हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ की हिस्ट्री का चैप्टर, जिसका नाम है जी द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो शायद चैप्टर नंबर 5 होगा, न्यू बुक है तो चैप्टर नंबर 4 होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने चैप्टर का नाम बताया आपको कि आप कंफ्यूज ना हो। तो चैप्टर के नाम पे जाओ, चैप्टर का नाम है जी द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर के बारे में जानने से पहले है ना, जैसे आप इस चैप्टर को ओपन करते हो तो आपके सामने ना एक पिक्चर आती है, ठीक है, ये एक पिक्चर आती है। तो पहले इस पिक्चर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फिर हम देखेंगे इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो इस पिक्चर में देखोगे तो पिक्चर का नाम है जी डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी। और ये पिक्चर बनाई भी गई थी बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी में, यानी ये पिक्चर जो थी वो 1900 यानी 1900 में पिक्चर बनाई गई थी। किसने पब्लिश करी थी ये पिक्चर? ईटी पॉल, एक म्यूजिक कंपनी है, उसने ये पिक्चर पब्लिश करी थी, ठीक है। आप अगर इस पिक्चर में देखोगे ना तो एक लेडी है जो कि प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। उनके हाथ में एक मतलब एक मशाल जैसा ही है, ठीक है, जिस पे सेंचुरी लिखा हुआ है। मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप देखोगे तो यहाँ पर सेंचुरी लिखा हुआ है। सेंचुरी का मतलब क्या है कि वो ये बता रही है कि न्यू सेंचुरी आ गई है 1901 के बाद। वो 1901 वाला स्टार्ट हो गया ना, 1901-2 ऐसे स्टार्ट हो गया। तो ये, और मैं आपको बता दूँ कि आप देखोगे ना तो ये जो लेडी है ये पर्स्ड है, एक मतलब खड़ी हुई है किस पे? एक व्हील पे। और व्हील पे विंग है जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मेरे कहने का मतलब इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होते जाएगा वैसे वैसे प्रोग्रेस होती जाएगी, ठीक है। और प्रोग्रेस अगर हमें करनी है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो प्रोग्रेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है? वो है जी ये कैमरा, ठीक है, पीछे देख रखा होगा, कैमरा, रेलवे मशीन, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रेस करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। पिक्चर है बस ये, कुछ और नहीं है, ओके। चलो जी, अब एक दूसरी पिक्चर भी है जो आप देखोगे, वो है जी ये। इस पिक्चर को नाम दिया गया है टू मैजिशियन। मैं इस साइड आ जाता हूँ जिससे आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम ना हो। टू मैजिशियन, ठीक है। आप इसमें देखोगे ना पिक्चर दो पार्ट में बटी हुई है, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर देखोगे तो ये दोनों के दोनों मैजिशियन है, ये भी बंदा मैजिशियन है, ये भी बंदा मैजिशियन है। कैसे? अगर मैं इनकी बात करूं तो ये बेसिकली ओरिएंट से हैं। ओरिएंट का मतलब क्या होता है? जब आप मिडल ईस्ट की कंट्री या ईस्ट की कंट्री जो होता है ना, अरब वगैरह, सऊदी अरब वगैरह, वहां को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको हम ओरिएंट कहते हैं, ठीक है। देखो डेफिनेशन भी लिखी हुई है, दिखा देता हूं मैं आपको कि द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन एक सी है, तो मेडिटेरेनियन सी के जो ईस्ट में जो कंट्रीज है, यानी वही सऊदी अरेबिया वगैरह और भी बहुत सारी कंट्री है वहां पर मिडल ईस्ट की, तो उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ओरिएंट वहीं से ही है, मतलब ये अलादीन है, ठीक है। और अलादीन के हाथ में एक लैंप है, और इसको मैजिशियन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसने अपने मैजिकल लैंप से एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस क्रिएट किया है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप नीचे पिक्चर देखोगे तो ये वेस्ट से आया बंदा, ये एक मकैनिक है या मैं कहूँ वर्कर है, और उसने अपने नॉलेज से और मैं कहूँ टेक्नोलॉजी से एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड किया है। तो दोनों की दोनों मैजिशियन है, ठीक है। जो काम पहले अलादीन करता था ना, वही काम आज ये मकैनिक कर रहा है, ठीक है, वर्कर कर रहा है। तो समझ रहे हो, टाइम के चेंज होने से प्रोग्रेस भी होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत ना आई हो इसमें। अब चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है जी। ये देखो हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं। तो सबसे पहले तो पिक्चर वन जो थी आपने देखी थी, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ईटी पॉल म्यूजिक कॉरपोरेशन या म्यूजिक कंपनी ने पिक्चर बनाई थी। कब बनाई थी जी? 1900 में बनाई थी, 1900 में बनाई थी, न्यूयॉर्क के अंदर जो कि इंग्लैंड में है, ओके। और जो दूसरी पिक्चर थी, पिक्चर का नाम था जी टू मैजिशियन, 26 जनवरी 1901 में पिक्चर बनाई गई थी। और ये दो मैजिशियन को शो करती है। ऊपर वाली पिक्चर में हमने अलादीन देखा था जो कि ओरिएंट से था, ओरिएंट मतलब ईस्ट मेडिटेरेनियन सी के जो उस साइड है, वो वाली कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो वो और ये ब्यूटीफुल पैलेस उसने क्रिएट किया है विद दिस ब्यूटीफुल या मैजिक लैम्प, यानी मैजिक लैम्प से उसने ब्यूटीफुल पैलेस क्रिएट किया है। दूसरी तरफ अगर हम बॉटम में वो सेम पिक्चर देखते हैं तो हमें एक मॉडर्न मैकेनिक दिखता है जिसने मॉडर्न टूल की मदद से क्या किया है, एक तरह से मैजिक किया है उसने, और ब्रिज, बिल्डिंग, शिप, टावर और हाई राइजिंग बिल्डिंग वगैरह क्रिएट करी है। मतलब दोनों ही मैजिशियन है। पहले मैजिशियन लैम्प का यूज़ करता था, बट जो न्यू मैजिशियन है हमारा न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, ठीक है। अलादीन जो है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा मैकेनिक है वो मॉडर्निटी और वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक तरह से के वेस्ट को, यानी अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड वगैरह को इसको रिप्रेजेंट करता है। चलो जी, अब समझ आ गया हमें। अब आते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, या मैं कहूँ चैप्टर के नाम पे। चैप्टर का नाम क्या था जी? द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो, जब भी ये वर्ड हम सुनते हैं ना इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती है, पहला फैक्ट्री और दूसरा है लार्ज प्रोडक्शन। के फैक्ट्री में सर लार्ज प्रोडक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे जी इंडस्ट्रियलाइजेशन है,
क्या आप सही हो? आप आधे सही हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब चीज़ों का बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा हो तो उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि फैक्ट्री में ही हो रहा हो। फैक्ट्री के बाहर भी अगर बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे। अब आप बोलोगे, सर फैक्ट्री के अलावा और कौन सी जगह है जहाँ पर इतने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो सकता है? होता है, मैं बताऊंगा आपको। तो यही बता रखा है, वी एसोसिएटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री। हमें लगता है कि जी फैक्ट्री और इंडस्ट्री है तो जी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जबकि ये सही नहीं है। फैक्ट्री आने से पहले भी, फैक्ट्री लगने से पहले भी बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा था, और इसी चीज़ को कहा जाता है जी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब फैक्ट्री आने से पहले भी बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा था चीज़ों पर, इसी को कहा गया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब धीरे 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 इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। पहले कोई फैक्ट्री नहीं थी, प्रोडक्शन होता था, फिर धीरे धीरे फैक्ट्री बनने लगी। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या था, बिगिनिंग था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। आधा काम तो हो रखा था ना, चीज़ों का प्रोडक्शन बड़े लेवल पे हो रहा था, है ना। तो इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बिगिनिंग थी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और एक तरह से जब स्टार्टिंग होती है ना तो उसी को कहा जाता है जी प्रोटो। तो एक तरह से ये स्टार्टिंग थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इसलिए इसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। देखो यही लिखा हुआ है कि मैनी हिस्टोरियन नाउ रेफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसका मतलब क्या होता है, इंडिकेटिंग फर्स्ट और द अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, यानी एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्टिंग का रूप था, इसीलिए ही इसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। चलो जी, अभी तक हमें ये समझ आ गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब फैक्ट्री नहीं होता, सारी की सारी फैक्ट्री नहीं होता। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बड़े लेवल पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना। अब मैंने आपसे बोला था कि जी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन अगर फैक्ट्री में नहीं होगा तो कहाँ होगा, लोगों के घर में। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, 17 और 18 सेंचुरी में, है ना, मर्चेंट्स जो होते थे, यानी जो सौदागर होते थे ना, चीज़ें खरीदते थे बेचते थे, ये टाउन में रहते थे, ठीक है। और इन्होंने, है ना, धीरे 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 गांव में शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया। यूरोप के अंदर ये जो भी मर्चेंट थे हमारे, पहले टाउन में रहते थे, उन्होंने धीरे 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 गांव में मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जी क्यों, ये जो मर्चेंट टाउन में रहते थे इन्होंने मूव करना क्यों शुरू कर दिया? इन्होंने मूव करना इसलिए शुरू कर दिया, ये क्या करते थे, पीजेंट वगैरह को पैसे देते थे और उनको बोलते थे कि आप चीज़ों का प्रोडक्शन करो जो हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। समझ रहे हो ना, अब हमारे मर्चेंट वगैरह ने शहरों से गांव में शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पीजेंट वगैरह, पुअर पीजेंट वगैरह को पैसे वगैरह देते थे और उनको बोलते थे आप चीज़ें प्रोड्यूस करो, हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो मर्चेंट है ये अपना काम टाउन में क्यों नहीं कर रहा था? मतलब इसको गाँव में जाने की क्या जरूरत थी, टाउन में क्यों नहीं कर रहा था ये अपना काम? तो ये अपना काम टाउन में इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि जो अर्बन एरियाज थे ना, यानी जो टाउन के एरिया थे, वहाँ पर अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स वगैरह होती थी, यानी ये एक तरह से एसोसिएशन वगैरह होता था। और ये एसोसिएशन क्या करती थी, ये इनके पास मतलब प्रोडक्शन वगैरह को ये देखती थी और साथ ही में ये ट्रेन करती थी क्राफ्ट पीपल को, मेंटेन करती थी, कंट्रोल करती थी प्रोडक्शन वगैरह पे कि किस चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही में प्राइजेस वगैरह, कंपटीशन वगैरह भी देखती थी ये, और साथ ही में ये भी देखती थी कि कोई न्यू बंदा एंटर ना हो जाए ट्रेड में, समझ रहे हो। इसलिए मर्चेंट को परेशानी होती थी, उनको पता था कि यार शहरों में तो पहले से गिल्ड वगैरह बन रखे हैं हमारे, एसोसिएशन वगैरह हैं, और न्यू एंट्री वो आने नहीं देंगे, तो इसलिए हम चलते हैं गांव में काम करेंगे अपना, ठीक है जी। यही था, और इनको सपोर्ट किससे मिला हुआ था, ये जो एसोसिएशन थी इनको सपोर्ट मिल रखा था रूलर से। रूलर ने बहुत सारी जो हमारी गिल्ड थी ना उनको मोनोपली सौंप दी। मोनोपली का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो, आगे आप 11th में जाओगे ना तब देखोगे मोनोपली का मतलब, अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो। मोनोपली का मतलब होता है एक तरफा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि राजा ने ये बोल दिया कि ये जो फैक्ट्री है यही कपड़े बनाएगी, सिर्फ और सिर्फ यही कपड़े बनाएगी और कोई कपड़े नहीं बना सकता, इसे कहते हैं मोनोपली, ठीक है। मोनोपली यानी सिर्फ एक एक ही काम करेगा। तो रूलर ने ही ऐसा क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट गिल्ड पर मोनोपली राइट दे दिए थे उनको कि आपके अलावा कोई और इस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करेगा, ऐसे ऐसे राजा ने बोल रखा था। और अगर मर्चेंट सेम चीज़ का प्रोडक्शन करता जो कोई गिल्ड कर रहा है, जिसको राजा ने परमिशन दे रखी है मोनोपली की, तो पता है ना फिर राजा उसका क्या करता मर्चेंट का। तो इसलिए मर्चेंट ने सोचा यार हम एक काम करते हैं, शहर में मत्थामारी बहुत है, इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि हम गाँव में चलते हैं। डिफिकल्ट फॉर द न्यू मर्चेंट टू सेट अप बिजनेस इन द टाउन सो दैट दे टर्न टू अ कंट्री साइड, और इसी वजह से जो मर्चेंट थे वो गाँव में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। ओके जी, अब जब ये गाँव में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए ना, इन कंट्री साइड पुअर पीजेंट एंड आर्टिसन बिगिन वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स,
और जो वहाँ के गांव के जो हमारे पुअर पीजेंट वगैरह होते थे, हमारे आर्टिसन वगैरह होते थे, कारीगर वगैरह होते थे, इन्होंने मर्चेंट के लिए काम भी करना शुरू कर दिया। अब क्यों, कुछ फ़ायदा हो रहा होगा ना उनका? बिल्कुल हाँ, पीजेंट का, हमारे पुअर पीजेंट का और आर्टिसन का भी कुछ फ़ायदा हो रहा था। क्या क्या फ़ायदा हो रहा था, क्यों काम कर रहे थे हमारे मर्चेंट के लिए? तो उसके कुछ रीज़न है। पहली बात तो कॉटेजर्स और जो पुअर पीजेंट होते थे ना, वो हैड अर्ली डिपेंड अपॉन द कॉमन लैंड, यानी एरिया होता था ना उस पर डिपेंड होते थे पहले। पर उसके बाद क्या हुई, एरिया की एक तरह फेंसिंग वगैरह होने लगी, लोग ये तय करने लगे ये मेरा एरिया है, मेरा एरिया है। इसकी वजह से जो पुअर पीजेंट थे ना, उनके पास कुछ था ही नहीं, अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। पहले वो बेरीज वगैरह और वेजिटेबल वगैरह और ये फायरवुड वगैरह, लकड़ी जलाने के लिए, मतलब आग जलाने के लिए लकड़ी वगैरह, ये सारा का सारा कहाँ से इकट्ठा करते थे, कॉमन लैंड से इकट्ठा करते थे। बट वहाँ पर अब फेंसिंग हो गई, तो इसलिए वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, अपना काम नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए वो अपना लाइवलीहुड नहीं चला पा रहे थे। इसलिए जब मर्चेंट ने उनको कहा कि आप मेरे लिए काम करो, तो वो खुशी खुशी तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उनको एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम मिल गया, यानी अलग से पैसे कमाने का जरिया मिल गया, इसलिए उन्होंने काम स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या और कोई रीज़न था? बिल्कुल, मैनी हैड टाइनी लैंड, बहुत सारे जो हमारे पीजेंट थे उनके पास छोटा लैंड था, और उस छोटे से लैंड पर सारे के सारे घर के लोग काम नहीं कर सकते थे। इसलिए जब मर्चेंट ने उनको ऑफर किया, पैसे दिए और एडवांस पेमेंट करी और बोला कि जी आप इस चीज़ का प्रोडक्शन करना है आपको, कॉटन वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो बनानी है आपको, तो वो खुशी खुशी मान गए। क्यों? क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा था, जितना भी वर्क फोर्स है वो सारा का सारा यूज़ हो रहा था, ठीक है, और वो एक तरह से एजरली एग्री हो गए, बहुत खुशी से एग्री हो गए। तीसरा पॉइंट ये था कि दे कुड नॉट रिमेन इन द कंट्री साइड, ठीक है, कुड नॉट नहीं है, दे कुड रिमेन, इसका मतलब ये है कि वो इसलिए भी राजी हो गए कि मर्चेंट ने उनको ये नहीं बोला कि आपको टाउन में आना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं, मर्चेंट ने बोला आप जहाँ हो ना वहीं काम कर सकते हो, अपने घर में भी काम कर सकते हो। और इसी चक्कर में जो पीजेंट है वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने मर्चेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया कि यार हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो यही है कि दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल लैंड, यानी आप अपने स्मॉल लैंड या स्मॉल प्लॉट्स पे काम भी कर सकते हो और प्रोडक्शन भी कर सकते हो, तो खुश हो गए हो। और साथ ही में सप्लीमेंट देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम द कल्टिवेशन, यानी जो खेतों से बहुत कम इनकम आती थी ना, वो भी बढ़ सकती थी, कैसे, मर्चेंट जब उनको अलग से काम देते थे। तो इसीलिए जो हमारे पीजेंट थे वो वर्करों के, मतलब पीजेंट जो थे वो मर्चेंट्स के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जो मैंने पूरा लिखा वो सारा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि जी मर्चेंट ने शिफ्ट होना क्यों शुरू कर दिया, तो मर्चेंट ने शिफ्ट होना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी हमारे टाउन्स के अंदर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ कि पुअर पीजेंट ने मर्चेंट के लिए काम क्यों करना शुरू कर दिया, तो ये सारे के सारे रीज़न थे, इनकम वगैरह के लिए, और उनको कोई जाना नहीं पड़ रहा था, तो ये सारे के सारे रीज़न थे, ठीक है। ये जो मैंने पिक्चर के बारे में लिखा ना, बच्चे सोचते हैं मैंने नोट्स में लिखा है ना, तो एक एक लाइन मेरे को रीड करनी है और लर्न करनी है, ऐसा नहीं है, सारी की सारी चीज़ें लर्न नहीं करनी। बेसिकली मैंने नोट्स इसलिए बनाया कि कोई चीज़ छूट ना जाए, बट ज़रूरी नहीं है कि नोट्स में हर चीज़ जो है वो बिल्कुल आपको रटनी है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट अच्छे से समझ लेना। ओके, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। चलो जी, हमने ये देखना शुरू कर दिया कि मर्चेंट जो थे वो गाँव के अंदर हमारे पुअर पीजेंट को, जो कॉटेजर्स मतलब जो हमारे स्मॉल लैंड वाले पीजेंट थे, उनको काम वगैरह देना शुरू कर दिया था उसने। अब जो मर्चेंट वगैरह थे ना, वो क्या करते थे, जैसे कोई कपड़े बनाने वाला मर्चेंट है, कपड़े का सौदा करता है, दूसरी कंट्री में कपड़े वगैरह भेजता है, बेसिकली है ना, ये मर्चेंट ने क्या करना, इंटरनेशनल जो मार्केट है ना उसी की डिमांड को पूरा करने के लिए इसने ये स्टेप उठाया था, और गाँव में जाकर उसने ये बोला कि आप प्रोडक्शन करो, ठीक है जी। तो जो हमारे मर्चेंट वगैरह थे ना, वो क्या करते थे, स्टेपलर, जो स्टेपलर होते थे उनसे वूल वगैरह खरीदते थे। स्टेपलर क्या होते हैं, जो वूल को एक तरह से फाइबर के अकॉर्डिंग, यार ये वाला फाइबर जो है उसके अकॉर्डिंग, मतलब बांटते थे, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो रुई वगैरह होती है ना, इनके पास होती है स्टेपलर, तो ये रुई वगैरह खरीदते थे, मर्चेंट जो थे वो रुई वगैरह खरीदते थे हमारे स्टेपलर से, और जो स्टेपलर थे वो उनको फिर स्पिनर के पास ले जाता था, ये वूल जो है वो स्पिनर को देता था और उनको बोलता था स्पिन करके धागा बनाओ, और फिर जो धागा या थ्रेड बनता था ना वो उनको वीवर के पास भेजते थे, वीवर उनसे कपड़ा बनाते थे, फिर फूलर के पास जाता था। अब फूलर कौन होता है, बेसिकली ये वो बंदा होता है जो चमकाता है कपड़ों को, एक तरह से आप यही कह सकते हो, कपड़ों को डिज़ाइन वगैरह करता है, चमकाता है, तो यही है जो फूल करता है, हु फूल दैट इज गैदर्स क्लोथ बाय प्लेटिंग, ठीक है, प्लेटिंग मतलब एक तरह से आप समझ ही गए हो कि चमकाना वगैरह काम होता है इसका। ओके जी, ये हमें समझ आ गया, और उसके बाद डायर्स के पास जाता था। चलो, हमें ये तो समझ आ गया कि मर्चेंट जो था वो क्या करता था, स्टेपलर जो कि गांव में होते थे, अब गांव में तो कॉटन उगता है ना, खेतों में तो उगता है या जो चीज़ें होती है, तो ये जो है वो गांव से लेता था, फिर उसको स्पिनर के पास बेचता था और फिर वीवर के पास बेचता था। चलो, अब हुआ क्या कि जो फिनिशिंग होती थी ना वो लंदन में ही होती थी,
ठीक है, मेरे कहने का मतलब जो वूल वगैरह वो तो गांव से आता था, बट एकदम फिनिशिंग जो होती थी ना कि बिल्कुल हाँ अभी ये कपड़ा जो है वो बन के रेडी हो चुका है, डाइंग वाइंग और ये पूरा फिनिशिंग अच्छे से धोना वगैरह जो भी है, ये हमारा लंदन में हुआ करता था। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, लंदन को एक टाइम पर फिनिशिंग सेंटर भी कहा जाता है। एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था। लंदन को फिनिशिंग सेंटर इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो फिनिशिंग का काम है वो यहाँ पर लंदन में ही होता था। ओके, तो यही होता था, जब फिनिशिंग वॉज डन इन द लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लोथ इन द इंटरनेशनल मार्केट, यानी जो मर्चेंट होता था दूसरी कंट्री में भेजने से पहले चीज़ों की फिनिशिंग यहाँ लंदन में आकर ही करता था। ठीक है, यानी टाउन में आकर ही करता था। ओके जी, हमें समझ आ गया। चलो जी, अब हमें यह समझ आ गया कि फिनिशिंग सेंटर बोला जाता था हमारे लंदन को। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे मर्चेंट होते थे ना, जो क्लॉथ के मर्चेंट होते हैं, किसी भी चीज़ के मर्चेंट होते थे, व्यापारी होते थे, सौदागर होते थे, वो क्या करते थे, उनके पास बहुत कमर्शियल एक्सचेंज का नेटवर्क था, बहुत बड़ा था। मतलब एक तरह से हर चीज़ को है ना वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखते थे। अगर एक मर्चेंट है ना तो उसके उसके अंडर बहुत सारे के सारे वर्कर आते थे, वो उनको एम्प्लॉय करके पैसे देता था, और इससे पीजेंट का भी फायदा होता था, वर्कर का भी फायदा होता था, हमारे मर्चेंट का भी फायदा होता था। तो यही लिखा हुआ है कि नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस वॉज कंट्रोल बाय द मर्चेंट। मैंने आपको बताया था जो नेटवर्क है ना एक्सचेंज वगैरह का, कि दूसरी कंट्री में कितना कैसे क्या भेजना है, वो मर्चेंट वगैरह देखता था। एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस बाय द वास्ट नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर वर्किंग विद इन द फैमिली फार्म, नॉट इन द फैक्ट्री। मैंने आपको बोला था ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, फैक्ट्री में काम नहीं होता था। जो बंदे थे, वर्कर थे, वो अपने घर में काम करते थे, गाँव में काम करते थे, और फिर वो हमारे मर्चेंट को एक्सपोर्ट वगैरह करते थे। चलो जी, और हर स्टेज में जो है 20 से 25 वर्कर काम करते थे। ठीक है, और ये सारे के सारे, मतलब एक जो हमारा मर्चेंट है ना, वो बहुत बड़े वर्कर के ग्रुप को लीड करता था, उनको कंट्रोल करता था। ओके जी, हमें समझ आ गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो समझ आ गया कि फैक्ट्री से पहले क्या होता था, कि बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता था, गांव में होता था, मर्चेंट पैसे देते थे, और जो हमारे वर्कर है या पुअर पीजेंट है वो चीज़ें बना के मर्चेंट को देते थे, फिनिशिंग होती थी लंदन के अंदर और भेज दिया जाता था। ये हमें समझ आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि जी कभी जो फैक्ट्री है वो सेटअप हुई, बिल्कुल पहली जो फैक्ट्री थी वो सेटअप हुई थी हमारे इंग्लैंड में 1730s में, यानी 1730s में पहली हमारी इंडस्ट्री या मैं कहूँ फैक्ट्री सेटअप हुई थी कहाँ पर, हमारे इंग्लैंड में। ओके, बट इट वॉज ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ द फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड। मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज है ना लेट 18th सेंचुरी में बनना शुरू हुई। अब सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये जानने में भी प्रॉब्लम होगी, सर 18th सेंचुरी कब से स्टार्ट होती है, तो ध्यान से सुनो दोस्त। 18th सेंचुरी ना असल में 1701 से स्टार्ट होती है और 1800 तक रहती है। समझ आया मेरे कहने का मतलब? समझ आया, 1701 से लेकर 1800 तक हमारी 18th सेंचुरी होती है। तो लेट 18th सेंचुरी का मतलब है कि 1790s, 91, 92, 93 से लेकर 18 तक होता है ना, वही हमारे उसी टाइम में हमारी फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लग गई थी। ओके जी, और मैं आपको बताऊँ कि जो एक तरह से न्यू सिंबल था ना हमारे, एक तरह से कह सकते हो आप न्यू एरा का, वो था कॉटन। मतलब सबसे पहली जो मील लगी थी या फैक्ट्री लगी थी ना, वो कॉटन की लगी थी। सबसे पहले जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ था बड़े लेवल पे, वो कॉटन का ही हुआ था। अब देखो हुआ क्या था, 1960s के टाइम में ना ब्रिटेन जो था वो इम्पोर्ट करता था 2.5 pounds ऑफ रॉ मटेरियल, या मैं कहूँ रॉ कॉटन। मतलब रॉ कॉटन मंगवाता था वो, ताकि उसको प्रोसेस वगैरह कर सके, सारी की सारी चीज़ों को प्रोसेस वगैरह कर सके। क्यों? क्योंकि हमारी फैक्ट्री तो 1730s में ही लग चुकी थी। उसके बाद हमारी धीरे धीरे जो फैक्ट्रीज है उनकी डिमांड थोड़ी बढ़ने लगी। जब फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई। यानी बाय 1787, यानी 1787 में एक ऐसा टाइम आ गया, देखो अब देखो सिर्फ 30 सालों में, ऑलमोस्ट 30 सालों में, अकाउंट 27 सालों में आप अगर देखोगे, ठीक है, तो जो ब्रिटेन था वो 1760s में 2.5 pounds ऑफ रॉ कॉटन मंगवाता था, इंपोर्ट करवाता था, ताकि उसको कपड़े बनाकर दूसरी कंट्री में भेज सके। बट 1787 में ना उसने 22 million pounds ऑफ रॉ कॉटन इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब देखो कितना ज़्यादा, ऑलमोस्ट हज़ार गुना उसने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा मतलब इतना ज़्यादा कैसे इंपोर्ट कर पा रहा था वो, क्या हो रहा था? तो मैं बता दूं कि फैक्ट्री का नंबर तो बढ़ रहा था, इसकी वजह से हाँ ये बात सही है कि इंपोर्ट इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा था क्योंकि फैक्ट्री का नंबर भी बढ़ रहा था, फैक्ट्री बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इम्पोर्ट भी बढ़ रहा था। बट एक दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारे ब्रिटेन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉटन मंगवाई जा रही थी, दैट इज़ हमारे उस टाइम में, हमारे 80s के टाइम में क्या हो रहा था, इन्वेंशन हो रहा था नई नई चीज़ों का।
ठीक है, यही बात लिखी हुई है कि अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ ईच स्टेप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कार्डिंग वगैरह, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें। मतलब कार्डिंग पता है क्या होता है, कार्डिंग का मतलब होता है धागा, मतलब रुई से ना, एक तरह से रुई को थोड़ा सा अलग करना, सही से करना ही होती है कार्डिंग। स्पिनिंग से पहले होती है कार्डिंग, स्पिनिंग का मतलब होता है धागा बनाना, मतलब रुई से धागा बनाना, इसको कहते हैं स्पिनिंग। ठीक है, तो एक तरह से रुई को थोड़ा सा अच्छे से सही कर देना, इसी को कहते हैं हम कार्डिंग। ट्विस्टिंग वगैरह, स्पिनिंग वगैरह, रोलिंग वगैरह, इन सारी की सारी चीज़ों में इन्वेंशन आ रहा था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस है ना बहुत तेज़ हो गया था। ठीक है, और जब प्रोडक्शन प्रोसेस तेज हो गया था और हमारे जो हमारे वर्कर थे उनको भी काम बहुत अच्छे से करना आ गया था, तो उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े लेवल पर ब्रिटेन के अंदर दूसरी कंट्री से कॉटन वगैरह मंगवाया। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि पर वर्कर का जो आउटपुट था वो भी बढ़ गया। अब जो वर्कर जितना पहले प्रोडक्शन करता था वो ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि नई नई मशीनें वगैरह आ गई थी। दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड और यान, और इससे ना धागा भी बहुत मजबूत बनने लगा मशीनों में। चलो जी, ये भी हमें समझ आ गया। चलो जी, हमें ये समझ आ गया कि जी हमारा जो कॉटन है वो ब्रिटेन से बहुत बड़े लेवल, मतलब ब्रिटेन जो है बहुत बड़े लेवल पर इम्पोर्ट करता था कॉटन। तो क्या उसने कभी भी कॉटन की एक मील बनाई, फैक्ट्री वगैरह बनाई? बिल्कुल, उसने एक फैक्ट्री बनाई जिसका मतलब बनाई थी, किस ओनर ने बनाई थी, उसका नाम था रिचर्ड आर्कराइट। एक बंदा था जिसने पहले कॉटन मील बनाई, यानी फैक्ट्री बनाई। इसके आने से पहले, कॉटन मिल बनने से पहले है ना, क्या होता था कि सारा का सारा जो चीज़ों का प्रोडक्शन होता था ना वो बिल्कुल गांव में फैला हुआ था। आपको पता है ना, मर्चेंट गांव वालों से खरीदते थे। तो एक बंदा धागा बनाता था, एक उसका कपड़ा बनाता था, एक डाई करता था, एक करता था कांगड़ा, और बिल्कुल अलग अलग दूर दूर करते थे। बट जैसे ही हमारी मिल आई ना, सारा का सारा काम एक जगह पर होने लगा। क्यों? क्योंकि जो मिल का ओनर था ना, सिर्फ मैं रिचर्ड आर्कराइट की बात नहीं कर रहा, और भी जो अलग अलग और ज़्यादा कॉटन मिल लगने लगी, तो जब ये बहुत सारी कॉटन मिल लगने लगी ना, तो जितने भी लोग थे, ठीक है, उन्होंने अपने फैक्ट्रियों के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें रखना स्टार्ट कर दिया। और उससे क्या हुआ कि सारा का सारा काम अब एक ही छत के नीचे हो रहा था। ठीक है, अब हम इसके बेनिफिट भी देख लेते हैं कि जो मशीनें खरीद रहे थे वो हमारे बड़े बड़े जो ओनर थे कॉटन मिल के, जो मशीनें खरीद रहे थे, क्या उसका फ़ायदा हो रहा था? हाँ, फ़ायदा हो रहा था। क्या फ़ायदा हो रहा था? पहला फ़ायदा तो यही है कि अब पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस था वो एक ही छत के नीचे आ गया, और उसको मैनेज करना बहुत ईजी हो गया, है ना। पहले क्या होता था, धागे वाले को लेट हुआ तो डाई वाला बोलता था कि जी मेरे पास धागा ही नहीं आया। ठीक है, कपड़ा बनाने वाला, मतलब पूरा फैला हुआ था ना, तो इससे कंट्रोल करना ईजी होता था। अब आप टाउन में रहते हो, मर्चेंट टाउन में रहता था, और वो जो हमारे बनाने वाले चीज़ें हैं वो गाँव में रहते थे, तो जो मर्चेंट होता था वो भी परेशान होता रहता था कि जी प्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ तक चला, कहाँ तक नहीं चला, और हमारे जो पुअर पीजेंट है जो गांव में काम करते थे वो भी परेशान होते थे। बट जब फैक्ट्री बनना स्टार्ट हो गई ना, तो सारा का सारा काम एक ही छत पे होने लगा, एक ही छत के नीचे होने लगा, एक ही जगह पर मशीनें वगैरह लगाई, और मशीनों से हर चीज़ का मतलब धागा भी बनाया जाता था, कॉटन को अच्छे से तराशा भी जाता था, जो भी है उसको धागा बनाया जाता था, फिर कपड़ा बनाया जाता था, फिर डाई करा जाता था, फिर धोया वगैरह, सारी चीज़ें करी जाती थी एक ही छत के नीचे। तो उसको मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस को भी बहुत अच्छे से देख सकते हो, एक ही छत के नीचे आ गया, और साथ ही में क्वालिटी को भी देख सकते हो। पहले क्या होता था, मर्चेंट क्वालिटी पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, क्योंकि वो तो टाउन में रहता था और जो प्रोडक्शन है वो गांव में होता था चीज़ों का, है ना, तो इसलिए वो क्वालिटी वगैरह नहीं देख पाता था। बट अब वो क्वालिटी देख सकता है, क्योंकि उसी की फैक्ट्री के अंदर हो रहा है सारा का सारा काम। और साथ ही में वो क्या करता था कि रेगुलेशन ऑफ लेबर भी अच्छे से कर सकता था, कि जो लेबर है वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये भी वो बहुत अच्छे से देख सकता था। कोई जब गांव में होता था ना, पहले मर्चेंट गांव से मतलब ऑपरेट करता था और गांव वालों को बोलता था काम करो, तो गांव वाले कहते थे जी कुछ हो गया, ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, टाइम बहुत लग रहा है। बट अब वो जो मर्चेंट था वो देख भी सकता था, यानी जो मील का ओनर था वो देख सकता था कि जी काम में टाइम क्यों लग रहा है, टाइम क्यों नहीं लग रहा। ठीक है जी, तो इसी वजह से हमारी जो फैक्ट्री थी, या मैं कहूँ मील थी, वो बनना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि इन अर्ली 19th सेंचुरी फैक्ट्री इंक्रीजिंगली बिकम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप, यानी जो अंग्रेजों की जगह थी यानी इंग्लैंड, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया हमारी फैक्ट्री ने, और एक तरह से डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल था हमारी फैक्ट्रीज का। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया हो फर्स्ट पार्ट। कोई भी दिक्कत हो ना दोस्त, तो कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछना। ठीक है, आई होप यहाँ तक अगर समझ आया हो आपको, तो देख ही रहे हो तो आपको समझ आया होगा ज़रूर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो 2 सेकंड लगेंगे यार, बट इससे मोटिवेशन बहुत मिलती है। पहले मैं एक दिन में एक वीडियो अपलोड करता था, बट क्योंकि अब बच्चों का प्रेशर है, ऐसे ना मेरे पे भी प्रेशर रहता है कि हाँ यार मेरे को बच्चों के लिए काम करना है,
तो जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा ना, वैसे बहुत सपोर्ट किया आपने, बहुत बहुत थैंक यू है उसका, बट फिर भी थोड़ा सा और, जिससे एक तरह से मेरे पे भी प्रेशर है कि मेरे को सब बच्चों के लिए करना है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट पार्ट है चैप्टर, ऐसा नहीं है खत्म हुआ, और भी पार्ट मैं अपलोड करूँगा विद नोट्स ही करूँगा, ओके। और जो इसके नोट्स वगैरह है वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से लॉगिन वगैरह कर लेना, मेन पॉइंट स्टडी टेंथ लिखोगे आप, टेंथ के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। एक वेबसाइट वगैरह भी क्रिएट करी है मैंने, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और साथ ही में जीपी लिंक भी दे रखा होगा, अगर आपको जीपी लिंक से नोट्स डाउनलोड करने आता है, ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे या वेबसाइट वगैरह पे देख लेना। और साथ ही में एक मेन पॉइंट स्टडी का एक इंस्टाग्राम पेज भी है, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, कौन सी आएगी, क्या आएगी, तो दोस्त वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता देता हूँ, तो उसको आप फॉलो वगैरह कर लेना, ठीक है। बाकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यार, देखो अब आप आ गए हो टेंथ में, कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हो कि प्रॉब्लम बहुत चल रही है, ओके। और इस टाइम ऑनलाइन अर्निंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सिर्फ पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही, पढ़ने के साथ और कोई भी नॉलेज होनी चाहिए। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देख रखे होंगे जो पीएचडी करके भी घर पे बैठे हुए हैं, रीज़न ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नॉलेज नहीं ली, पैसे के बारे में उन्होंने अच्छे से नॉलेज नहीं ली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अर्निंग जो है वो पहले से स्टार्ट करो, कम से कम नॉलेज गेन करना तो पहले से स्टार्ट करो। तो वो चैनल बनाया है मैंने मेन पॉइंट टैग करके, वहाँ पर मैं अपनी अर्निंग के बारे में, मैंने कैसे अर्न किया, मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें बता रखी है। सिर्फ यूट्यूब से नहीं, और भी प्लेटफॉर्म से मेरी अर्निंग आती है, तो उसके बारे में मैंने बता रखा है, ओके। बाकी ये उसको सब्सक्राइब कर लेना, और एक मेन पॉइंट गेमिंग का भी चैनल है, तो अगर आप गेमर हो तो आ जाना वहाँ पर, देखते हैं कितने बड़े गेमर हो आप। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।